मध्य प्रदेश में विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गुजरात से आई बीजेपी विधायक विभिन्न विधानसभाओं में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में इंदौर विधानसभा 4 में गुजरात के विधायक ने सर्वे किया। सुनिए मालिनी गौड़ के चुनाव जीतने पर उन्होंने क्या कहा। मैं यहाँ अहमदाबाद से दरियापुर विधानसभा से आया हूँ। यहाँ पार्टी की बहुत ही मजबूत स्थिति है और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत स्थिति हो उसके लिए मैं सब कार्यकर्ता को मिलके कहाँ छोटी बड़ी कमियां हैं वो कमियां दूर हो जाए और इंदौर 4 207 नंबर की सीट ज़्यादा से ज़्यादा लीड से हम पूरे मध्य प्रदेश में एक नंबर पे आए, ऐसी मेरी कोशिश जारी है। और अभी मेरे यात्रा के 3 दिन और बाकी है। मैं जैसे जैसे आगे सबको मिलता जा रहा हूँ मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जो भी खामी होगी वो हम साथ मिलके दूर करेंगे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भूतकाल की सरकार 20 साल पहले कैसी चलती थी और अभी 20 साल पहले का इंदौर कैसा था और 20 साल बाद का कैसा इंदौर है सब जनता जानती है और उनको मुँह तोड़ जवाब देंगे। मैं तो सोचता हूँ ये विधानसभा में से उनकी डिपॉजिट भी दूर हो जाएगी। मध्य प्रदेश की इस विधानसभा को अयोध्या भी कहा जाता है, आपको क्या इतने दिनों में आप यहाँ रहे क्या किस तरह का? यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत ही अच्छा धार्मिक का वातावरण है और सही अर्थ में अयोध्या है ऐसा मेरे को लग रहा है। मैंने मंदिरों की भी मुलाकात ली, हर विस्तार हर वार्ड में छोटे बड़े मंदिर है और जो यहाँ की जनता है वो बहुत धार्मिक है। भाई साहब कितने लोग वहाँ से आए हैं, किस तरह से निरीक्षण कर रहा है, क्या एक पूरी एक कॉमन रिपोर्ट बनाई जाएगी पूरे इंदौर की हर विधानसभा की आप लोगों के द्वारा? नहीं, अलग अलग विधानसभा की कॉमन रिपोर्ट की बात नहीं, हमको जो बिंदु दिए गए हैं 15 बिंदु पे हमारे सब चर्चा करने की है। मैं कोई टिकट देने के लिए आया नहीं हूँ, यहाँ विधानसभा अच्छी तरह जीत पाए उसके लिए मैं आया हूँ। बता दें कि यह सभी विधायक मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे गृह मंत्री अमित शाह को भेजेंगे। जो विधायक इंदौर के विधानसभा क्षेत्रों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने आए हैं वे चुनाव अभियान के दौरान भी सक्रिय रहेंगे और पूरे अभियान पर बारीकी से नजर रखेंगे। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।